सो बेटा थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रूव करना है उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पोंडिंग साइड। तो मैंने दो ट्राइंगल ले रखे हैं, मान लेते हैं गिवन में ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन के थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से गिवन ट्राइंगल एबीसी, टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पोंडिंग साइड, एबी का करस्पोंडिंग पीक्यू, बीसी की करस्पोंडिंग क्यूआर और एसी की करस्पोंडिंग आपकी बन रही है पीआर। अगेन थ्योरम का कंस्ट्रक्शन, इस थ्योरम को सिमिलरिटी की मदद से करेंगे और एरिया वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एरिया की बात होगी, एरिया का मतलब हाफ बेस इनटू हाइट, कहीं ना कहीं तो हाइट का फैक्टर आएगा काम में। तो हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पी ए परपेंडिकुलर टू क्यूआर। कंसेप्शन डॉटेड रखिएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही तो कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि थ्योरम को हम किस लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं, लॉजिक हमारा इसमें एरिया का चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बीसी एंड सेकंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉ PM perpendicular to what? QR। और थ्योरम को बार बार बोलते आधा गिवन प्रूफ कंसेप्शन मिला लो थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर हमें गिवन है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा। तो ये हमें गिवन है, तो इनडायरेक्टली हमें ये गिवन प्रूफ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका एंगल ए पी के बराबर होगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। मेरे काम में कौन सा आ रहा है, मेरे काम में ये वाला अभी आप देख लीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सारा लिखने की जगह शॉर्ट में लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो दोनों मेरे काम है। तो अगर साइड का रेशियो लिखूंगा तो ए बी लिख सकता हूं, ए बी, ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ, और एसी का रेशियो किसके साथ, पीआर के साथ। ये क्वेश्चन हमारे को देखो, ये इस गिवन का मतलब मेरे को ये गिवन। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बात की है, कंस्ट्रक्शन है और हमें मालूम है कंस्ट्रक्शन हमने एरिया के हिसाब से किया, हाफ बेस इनटू हाइट का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगेगा। उससे पहले अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हाइट को साइड से जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे। तो हम ये अंदर वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं, दोनों अंदर वाले ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कर लेते हैं, बड़े आराम से सिमिलर है क्योंकि बी और क्यू तो पहले से बराबर है और एम और एन कंसेप्शन से बराबर है 90 डिग्री। तो ट्राइंगल बी एन ए एन क्यू एन बी आपस में सिमिलर है, चाहे ए बी एम बोले। तो नाउ ट्राइंगल ए बी एम एंड नाइन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एम, नाम लिखने की टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमें मालूम बी क्यू के बराबर है तो बी का करस्पोंडिंग वर्टेक्स क्यू रखा है, एम का करस्पोंडिंग रखा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और एंगल एम इज इक्वल टू एन 90 डिग्री, कारण आपका कंस्ट्रक्शन। तो ट्राइंगल ए बी एम
is similar to triangle PQL by angle angle rule. अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आगे इनकी साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू बी एम अपॉन क्यू एम एम अपॉन है ना बी एम अपॉन क्यू एम और एम का रेशियो किसके साथ जाएगा पी एम के साथ। अब थोड़ा सा नोट करिए यहां पे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इन साइड के बराबर है यहां पे भी AB अपॉन PQ वाला जो हाइट के रेशियो के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 AB अपॉन PQ दोनों में सेम है तो AB अपॉन PQ इन सब के बराबर है यहां AB अपॉन PQ इन सब के बराबर है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम सबको बराबर आपस में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 मैं लिख सकता हूं AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AC अपॉन PR और यही AB अपॉन PQ इसके बराबर इसके बराबर मेरे काम में ये आ रही है चाहे तो आप लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता BM अपॉन QR AM अपॉन PM ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि AB अपॉन PQ दोनों में कॉमन है तो ये चीज AB अपॉन PQ के बराबर है AB बराबर है तो ये सब आपस में बराबर है। अब आते हैं एरिया एरिया मैंने बोला हाफ बेस टू हाइट कहीं ना कहीं थ्योरम लगेगी तो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ बेस बीसी होगा हाइट एम होगी हाफ बेस क्यूआर होगा हाइट पीएम होगी हाफ से हाफ कट गया तो इनडायरेक्टली मेरा क्या है एबी अपॉन बीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया तो ये बना BC अपॉन QR और AM अपॉन PM ओके नाउ मेरे को चाहिए BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर ये जो इक्वेशन बनाइए आप काम आएंगे आप देखिए यहां पे BC अपॉन QR और AM अपॉन PM इक्वल है तो मैं AM अपॉन PM की जगह BC अपॉन QR लिख सकता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 BC अपॉन QR AM अपॉन PM की वैल्यू आ गई BC अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन 5 तो BC into BC BC square upon QR square तो area of triangle ABC upon area of triangle PQR का ratio किसके बराबर निकला इसके बराबर तो आपने area of triangle ABC को इसके बराबर दिखा दिया similarly करके इन सबके बराबर लिख दीजिएगा बस last में similarly लिखना है similarly ये पूरी चीज कॉपी कर लीजिए एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर पूरा कॉपी कर लीजिए एबी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर नहीं एबी की करस्पॉन्डिंग ये बीसी की करस्पॉन्डिंग क्यू आर आ जाएगी बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर अपॉन प्रूव कर चुके हैं एंड एसी की करस्पॉन्डिंग पी आर आ जाएगी ये आपकी थ्योरम आप किसी एक साइड के रेशियो के साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर दिखा रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पोंडिंग साइड तो सिमिलरली करके बाकी के लिए लिख दीजिए तो आपकी थ्योरम हो गई।